हाय, ये मॉनसून का सीज़न हम प्लांट लवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सीज़न में हम कटिंग से न जाने कितने प्लांट्स बना सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो में मैं आपको कटिंग लगा के दिखाऊंगी, पूरा प्रोसेस सिखाऊंगी और साथ में रिजल्ट भी दिखाऊंगी। बहुत सारे लोग कटिंग्स तो लेके आ जाते हैं बहुत उम्मीद से, बहुत प्यार से, लेकिन कटिंग लगती नहीं है और फिर बाद में क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप में इतना क्रेज़ आ जाएगा कटिंग लगाने का कि आप प्लांट्स ढूंढोगे, कटिंग ढूंढोगे लगाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कटिंग लगाना क्यों ज़रूरी है। हम कभी भी मार्केट से बीज खरीदते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, हम प्लांट्स खरीदते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन कटिंग आप पार्क से लाओ, चोरी करके लाओ, रिश्तेदार से लाओ, पड़ोसी से लाओ, जिससे भी लाओ, आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी चीज़ जो मुझे पर्सनली लगता है कि सपोज़ मैं कहीं गई और मैंने देखा कि गुलाब का बहुत सुंदर सा प्लांट है, मैं चाहती हूँ इसको लेना, अभी के अभी मुझे बीज तो मिलेंगे नहीं इसके, और नर्सरी में अगर मैं जाके लूँगी भी तो इतना खूबसूरत यही वाला प्लांट मिलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है कटिंग लेना। अब कटिंग लेना और कटिंग लगाना अगर मुझे आता है तो वो प्लांट मेरे घर में भी हो सकता है, तो इसलिए कटिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट आपको आना चाहिए। किसी भी प्लांट की कटिंग तब लगानी चाहिए जब उस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड पीक पे हो, और वो होता है साल में दो बार, एक बार बसंत में और एक बार बरसात में। इन दोनों ही टाइम में हम कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ बरसात का सीज़न। बरसात में टेम्परेचर तो परफेक्ट होता है, साथ में ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी भी होती है जो हमें कटिंग लगाने के लिए चाहिए। तो इसलिए जब हम बसंत में कटिंग लगाते हैं तो हम कुछ ना कुछ प्लास्टिक से ढक देते हैं, लेकिन बरसात में जब आप कटिंग लगाओगे तो आपको ऐसे प्लास्टिक से कवर करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपसे किसी ने बोला कि हाँ भाई इस प्लांट की कटिंग ले लो, और अगर आपको कटिंग लेनी नहीं आती है तो आप न जाने प्लांट को कहाँ कहाँ से काट दोगे, जो ओरिजिनल प्लांट है वो भी ख़राब हो जाएगा और जो कटिंग आपने ली है वो भी नहीं लगेगी। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से प्लांट की कटिंग लेनी है और कैसी लेनी है। सबसे पहली चीज़, हमेशा एक हेल्दी प्लांट की कटिंग लेनी चाहिए। अगर वो वीक है या उसमें डिजीजेज हैं, उसमें फंगस है, दीमक लगी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्लांट की कटिंग ना लीजिए, क्योंकि अगर आप एक वीक प्लांट की कटिंग लेंगे तो उसकी कटिंग लगने के चांसेस बहुत कम है। अगर लग भी गई तो जो प्लांट निकलेगा ना, जो प्लांट हमारे पास होगा उस कटिंग से, वो काफ़ी वीक होगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि हम प्लांट की बहुत केयर कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये प्लांट जिस प्लांट की कटिंग से लगाया गया है वो प्लांट हेल्दी नहीं था। इसलिए हमेशा एक अच्छे और हेल्दी प्लांट की ही कटिंग लेनी चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हो, ये गुड़हल कितना हेल्दी है, मैं इससे कटिंग लूँगी। ये करी पत्ता भी कितना हेल्दी है, इस तरीके का प्लांट आपको ढूंढना है कटिंग के लिए। मैंने अपनी सुविधा के लिए कटिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले में रखा है मैंने सॉफ्ट स्टेम वाली, दूसरी कैटेगरी में मैंने उन प्लांट्स को रखा है जिनका तना हार्ड होता है, जिनकी कटिंग हम लगाएंगे तो हमें तना हार्ड चाहिए। इन दोनों ही कटिंग्स को लगाने का जो प्रोसीजर है वो लगभग सेम है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो सॉफ्ट वाली है ना उसमें हमें जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है, और जो हार्ड वाली है उसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि जो हम कटिंग ले रहे हैं उसकी मोटाई कितनी है। जब भी हम किसी भी प्लांट की कटिंग लेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि उस कटिंग में कम से कम 2 से 3 नोड्स आने चाहिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो नोड्स का मतलब है गांठें, या जो हमें जॉइंट दिखता है कटिंग में, इसे हम नोड्स कहते हैं। किसी किसी प्लांट में हमें एरियल रूट भी दिखती है, जैसे मनी प्लांट में दिखती है, जितने भी पोथोस है सब में दिखती है। जो सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स हैं उनकी कटिंग में हमें साइज नहीं देखना है, बस हेल्दी प्लांट होना चाहिए, कटिंग हेल्दी होनी चाहिए, 2 से 3 नोड होनी चाहिए, आप कैची लो और काट लो। लेकिन जो हार्ड स्टेम वाले प्लांट है उनकी जो कटिंग हम लेंगे ना, वो ना बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो ये फूटने में, मतलब रूट्स निकालने में बहुत लंबा टाइम ले सकती है, और हो सकता है कि हमारा सीज़न, मॉनसून सीज़न निकल जाए। बहुत ज़्यादा पतली होगी तो हो सकता है कि इसकी स्टेम गल जाए।
इसकी मोटाई बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए, जो नटराज की पेंसिल होती है ना वैसी होनी चाहिए। तो इस गुड़हल की मैं कटिंग लेने जा रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ कि कैसे लेंगे। जैसे ये डंडी है, इसकी मोटाई आप देख रहे हो लगभग पेंसिल की साइज़ की है। आप ऐसे पेंसिल पकड़ोगे ना, ऐसे देख भी सकते हो। आपको ऐसे नहीं करना है कि ऊपर की सॉफ्ट सॉफ्ट वाला पार्ट ले लिया, आपको हार्ड वाली डंडी भी लेनी है। ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, ये गांठ हैं, ये इस तरीके से। जब भी हम कट लगाएंगे ना, तो नोड से जस्ट आगे कट लगाएंगे। एक तो हो गई, एक और ले लेते हैं। ये भी करीब उतनी ही मोटी है, तो ये दो कटिंग्स मेरे पास हो गई। ऐसे ही मैं गुलाब की कटिंग भी ले रही हूँ। ये पीच कलर का बहुत ही खूबसूरत गुलाब है। हमने बहुत हेल्दी प्लांट चूज़ किया, उसकी अच्छी सी बढ़िया सी 2 से 3 नोड वाली कटिंग भी ले ली। अब बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि इस कटिंग को लगाना किस में है। अगर आप इसको चाहो तो पानी में लगा सकते हो, पानी में बहुत जल्दी रूट्स आ जाएंगी। लेकिन जब आप इसी को रूट्स निकलने के बाद कोकोपीट में या मिट्टी में या बालू में किसी में भी ट्रांसफ़र करोगे, तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल होता है ये काम। अगर आप चिकनी मिट्टी में सीधे इस कटिंग को गाड़ दोगे तो कटिंग नहीं लगेगी। हमें चाहिए रेतीली मिट्टी, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। सिर्फ कोकोपीट में अगर आप कटिंग लगाओगे तो कहीं कहीं तो 100% रिजल्ट आता है, लेकिन हर समय नहीं आता है, क्योंकि कोकोपीट में स्टेम गलने लगती है। मेरे पास एक ऐसा मिक्सचर है जो बिल्कुल अचूक है। इसमें अगर आप कटिंग लगाओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कटिंग ना लगे, चाहे वो सॉफ्ट हो चाहे वो हार्ड हो, जैसी भी हो। और इसमें सिर्फ 3 चीज़ें मिली हैं हमें। इसमें चाहिए प्योर रिवर सैंड, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का सामान मिलता है वहाँ से आप प्योर रिवर सैंड ले आओ, सब जगह मिलती है। दूसरी चीज़ हमें लेनी है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ही लेनी है। काउडंग कंपोस्ट और दूसरी कंपोस्ट थोड़ी सी हीट करती हैं, तो ये वाली लेनी है। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए परलाइट। परलाइट ऑर्गेनिक होता है, बहुत ही हल्का होता है, और ये हल्का सा पानी भी होल्ड करता है। परलाइट पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कितने फ़ायदे हैं, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी। लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही सस्ती मिलती है। ऑनलाइन या किसी भी नर्सरी में आपको परलाइट मिल जाएगा। आपको ये 3 चीज़ें लेनी हैं। जितना भी हम वर्मी कंपोस्ट लेंगे, उतना ही हमें सैंड लेना है। मतलब वर्मी कंपोस्ट और सैंड हमें इक्वल क्वांटिटी में रखना है, बराबर मात्रा में। और जितनी आपने बालू ली थी, उसका आधा आपको परलाइट लेना है और अच्छे से मिलाना है। और ये मिक्सचर बना के रख लेना है, सिंपल। जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है, मैं ये मिक्सचर बना के रख लेती हूँ। कहीं से भी मैं कटिंग लाई, मैंने फटाक से लगा दी। अगर आप कहीं से कटिंग लेके आए हो लेकिन ये मिक्सचर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास अभी परलाइट नहीं है या सैंड नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो कटिंग आई है उसको सूखने मत दीजिए, उसको पानी में डिप कर दीजिए। जब भी ये मिक्सचर रेडी हो जाए तो इस कटिंग को मिक्सचर में लगा देंगे। मेरा मिक्सचर रेडी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कटिंग कैसे लगाएंगे। जो दोनों कटिंग हमने गुड़हल की ली थी, सबसे पहले तो इसकी सारी पत्तियाँ सब कुछ साफ करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसमें एक भी पत्ती ना रहे, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि ये स्टेम अपनी सारी एनर्जी रूट्स को निकालने में लगाए। मतलब हम चाहते हैं कि इसमें जड़ें निकलें। हम नहीं चाहते हैं कि इस स्टेम की जो एनर्जी है वो पत्तियों में वेस्ट हो। हम दूसरी काटेंगे। मैं एनविल प्रूनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको सबसे पहले मैंने क्लीन किया है, उसके बाद यूज़ कर रही हूँ। प्रूनर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने अभी लास्ट महीने ही एक वीडियो निकाला था, उसमें बताई थी, आप वो देख सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो साइड ऊपर थी उसको ऊपर ही रखना है और जो साइड नीचे थी उसको नीचे ही रखना है। आप इन डंडियों को ऐसे रखोगे कि आपको ध्यान रहे, उल्टा नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन है, जब भी आप कटिंग लगाओगे तो किसी
अच्छे और मजबूत पॉट में लगाइएगा। मैंने एक दो बार ना इस प्रोसेस में एक गलती की है। जब मैं पहले कटिंग लगाती थी तो किसी भी पॉलीथिन में या किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में लगा दिया, जो काफ़ी नाजुक सा था। कभी सफाई करनी है या बारिश हुई, मुझे इसको मूव करना है, इधर से उधर करना है, तो इतने में क्या होता था कि कटिंग डिस्टर्ब हो जाती थी और इस वजह से भी कटिंग फेल हो जाती है। तो जब भी आप पॉट चूज़ करोगे, किसी अच्छे पॉट में आप इसको लगाना। इससे क्या होगा कि पहली चीज़ तो कटिंग सही से लगेगी और दूसरी चीज़ की कटिंग ग्रो होने में ना काफ़ी टाइम लेती है, 1.5-2 महीने लग जाएंगे, फिर इसमें ये थोड़ा ग्रो होगी। अभी बहुत लंबे टाइम तक इसको इसी पॉट में रहना है, तो किसी अच्छे सेरामिक के, प्लास्टिक के, मिट्टी के, किसी में भी आप लो, लेकिन वो मजबूत और अच्छा होना चाहिए। मैं इस क्ले के पॉट में लगा रही हूँ। इसमें सबसे पहले पानी डालेंगे। पानी आप बाद में भी डाल सकते हो, लेकिन पहले डालने के फायदे हैं। जब हम पानी डालते हैं ना तो ये मिक्सचर थोड़ा बैठता है, तो इसको पहले बैठ जाने देते हैं, उसके बाद कटिंग गाड़ेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम यूज़ करेंगे और वो है रूटिंग हार्मोन। इससे जड़ें बहुत तेज़ी से आती हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। एक बार ख़रीदा है मैंने करीब 3 साल पहले और अभी भी ये काफ़ी सारा है। मुझे लग रहा है आगे के 4-5 साल भी चलेगा। ये जो कटिंग है ना, करीब 3 इंच अंदर जानी चाहिए जो हम गाड़ेंगे और करीब 3-3.5 इंच ऊपर होनी चाहिए। तो जो हम नीचे गाड़ने जा रहे हैं ना, इसमें करीब 2-3 नोड्स आ रही हैं। हम जब गाड़ेंगे ना तो कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 2 नोड अंदर हम गाड़ दें, क्योंकि नोड्स के आसपास से ही नई जड़ें निकलती हैं। जितना मुझे अंदर गाड़ना है उसमें मैं रूटिंग हार्मोन लगा रही हूँ। दूसरे में भी सेम यही प्रोसीजर करेंगे। कटिंग के जो ऊपर वाला सॉफ्ट एरिया था ना, बरसात के मौसम में वो भी लग जाता है, लेकिन बसंत में ये नहीं लग पाता है, तो इस समय मैं ये भी लगा रही हूँ। फिलहाल मुझे कटिंग थोड़ी सी लंबी लग रही है तो मैं ऊपर से काट दे रही हूँ। हम कोशिश करेंगे कि कटिंग ऊपर भी 3-4 इंच ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। सेम यही प्रोसीजर मैंने गुलाब के साथ किया है। मैंने जीजी प्लांट की भी कटिंग लगाई है। रबर प्लांट की भी लगाई है। मॉन्स्टेरा की भी लगाई है। आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि कौन कौन से प्लांट को हम पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे सारे वीडियोस निकालने वाली हूँ। कटिंग को लगाने के बाद हमें इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसके ऊपर सीधे धूप ना पड़े, क्योंकि ये डंडी है, सूख जाएगी। और हमें ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बारिश का पानी भी ना पड़े, क्योंकि अभी तो जड़ें हैं नहीं, तो पानी पड़ेगा तो ये स्टेम है और ये गल जाएगी। तो हमें इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर पर्याप्त रोशनी हो, बस। ह्यूमिडिटी की चिंता आपको नहीं करनी है बारिश के मौसम में। अब आपको हर 3-4 दिन में इसको ऊपर से टच करके देखना है। जब आपको ये सूखा दिखे तब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। इतना पानी नहीं डालना है कि पानी नीचे से निकले, आपको सिर्फ इतना पानी डालना है अपने आइडिया से कि जो स्टेम हमने अंदर गाड़ी है वहाँ तक पानी पहुँच जाए। हमें क्या करना है, बस एक हल्का सा मॉइस्चर देना है इस स्टेम को। मॉइस्चर मिलेगा तो ये अपने आप जड़ें निकालना चालू कर देंगी। बारिश के मौसम में ना पॉट्स में वैसे ही मिट्टी इतनी गीली रहती है, हम नॉर्मल प्लांट्स में भी उतना पानी नहीं देते हैं। तो इस कटिंग में हमने परलाइट डाला है, वर्मी कंपोस्ट डाली है। ये थोड़ी 3-4 दिन तक तो ये नहीं सूखेगी, तो 3-4 दिन बाद आपको बस चेक करना है और थोड़ा सा पानी देना है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पेशेंस रखना है। हो सकता है कि कोई कटिंग 20 दिन में 25 दिन में ग्रो हो जाए और हो सकता है कोई 2 महीने ले ले। तो आपको ना इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसा नहीं करना 1 महीना हो गया हम उखाड़ के देखते हैं क्या सिचुएशन है, यहीं पर गड़बड़ हो जाता है।
अगर आपको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है कोई बात नहीं, लेकिन जो स्टेम आपने लगाई थी वो एज इट इज़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है, तो आप समझ जाओ कि कटिंग सक्सेसफुल है, ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। मॉन्स्टेरा की कटिंग मैंने सबसे पहले लगाई थी तो इसमें ग्रोथ सबसे पहले दिखनी स्टार्ट हुई है। मैंने 4 कटिंग लगाई थी और 1.5 महीने बाद 3 में पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। 1 में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है, बाकी 2 में हल्की हल्की ग्रोथ दिख रही है। उसके 20 दिन बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये जो मॉन्स्टेरा है ना काफ़ी कॉस्टली मिलता है, लेकिन मैंने फ्री में 3 कटिंग्स तो उगा दी, 1 नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि जब भी हम कटिंग लगाएंगे 2 या 2 से ज़्यादा लगाएंगे, 2 से कम नहीं लगाएंगे। अगर कटिंग नहीं मिली, जैसे मुझे गुलाब नहीं मिला, छोटी सी कटिंग मिली, तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाएं। मेरी बाकी की जितनी भी कटिंग्स हैं वो भी ठीक चल रही हैं, लेकिन अगर मैं उनका रिज़ल्ट का वेट करती कि मैं शूट करके आपको रिज़ल्ट दिखाऊं, तो ये टाइम निकल जाता। अभी हमारे पास टाइम है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ कटिंग लगाओ, ढूंढ के लाओ कटिंग कहीं से भी, नहीं तो अपने घर में जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग लगाओ। जो मैंने तरीका बताया है अगर आप वैसे करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कटिंग ना लगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पहली चीज़ तो आइडिया मिलेगा, प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और जो कटिंग आप पहली बार लगाओगे ना उसे अपने पास रखना, किसी को देना नहीं। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।